एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आया एक और न्यू केयर पॉल्यूशन ट्यूटोरियल फॉर 2023, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर। इस केयर पॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर रही है YG एंटरटेनमेंट कोलैबोरेशन विद GMM ग्रेमी कंपनी लिमिटेड के साथ, और इस केयर पॉल्यूशन का नाम है YGMM अप्रैल मंथली ऑडिशन 2023। इस वीडियो में आपको बताऊंगी सभी डिटेल्स YGMM एंटरटेनमेंट के बारे में और उसमें होने वाले इस केयर पॉल्यूशन के बारे में, जैसे कि उसका ऑडिशन पीरियड, ऑडिशन क्वालिफिकेशन, ऑडिशन की कैटेगरी, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसका गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कहाँ आपको इसका गूगल एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है और क्या होगी इसकी रिजल्ट अनाउंसमेंट, सब चीज़ें समझाऊंगी A to Z। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए इस YG एंटरटेनमेंट के कोलैबोरेशन विद YGMM एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद कीजिए, और साथ ही आप मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन अपडेट्स की, और साथ ही BTS के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे YouTube फॉर फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है YouTube नाम से, आप मुझे वहाँ पर भी सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन के अपडेट्स के लिए। साथ ही आप लोगों के लिए मैंने काफी प्लेलिस्ट भी बना रखी है के ऑडिशन ट्यूटोरियल्स में, आपको सारी के ऑडिशन मिल जाएंगे, उसके साथ पॉडिशन टिप्स में वो वीडियोस है जो आपको हेल्पफुल होंगी के पॉडिशन को पास करने में, और साथ ही एक प्लेलिस्ट है 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस, उसमें जितनी भी वीडियोस है उसके पॉडिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप अवेलेबल हो, आपको लगता है आप प्रिपेयर है के पॉडिशन देने के लिए, तो आप उन सभी वीडियोस को देखकर आप किसी भी कोरियन एंटरटेनमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 24/7। तो आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा, और जब आपको लगता है कि आप ऑलरेडी प्रिपेयर है के पॉडिशन देने के लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। के पॉडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एडवाइजर्स की जरूरत है तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल JDU पर आपको के ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑडिशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स, यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके ताकि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का, आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी, और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ, इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केयर पोर्शन का पास करने में और आपके केयर आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। तो देखिए YGMM एक फुल्ली इंटीग्रेटेड ग्लोबल आर्टिस्ट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि कोलैबोरेशन कर रही है YG एंटरटेनमेंट के साथ। ये जो है दो जायंट कंपनीज है, दो बड़ी बड़ी कंपनीज है, GMM ग्रेमी कंपनी लिमिटेड जो कि पब्लिक है और ये है थाईलैंड में, और दूसरी है हमारी YG एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेशन जो कि साउथ कोरिया से है। तो ये दोनों जो कंपनीज हैं वो दोनों कोलैबोरेशन करके ये के ऑपरेशन को करवा रही हैं। ये इसलिए करवा रही हैं ताकि थाईलैंड में भी एक तरह से जो के ऑफ आइडल जो आर्टिस्ट हैं उनका सिलेक्शन हो सके, प्रोसीजर हो सके और वहाँ पर वो क्रिएट कर सके अपने काम को, और इस तरह से वो केपॉप को फैला सकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड।
वाइज एमएम मंथली ऑडिशन एक तरह का मंथली ऑडिशन है जो कि हर महीने होता है और ये होता है 1-on-1 जूम ऑनलाइन ऑडिशन। इसमें 1-on-1 फॉर्मेट होता है, यानी कि एक तो आप होते हैं और आपके सामने ही एक वाइज एमएम की ऑडिशन टीम का एक मेंबर होता है जो कि आपका ऑडिशन लेता है। सिर्फ आप दोनों के बीच में ही इसके ऑडिशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है और आपको जो है इसको ऑडिशन देना होता है और ये हर महीने होता है, तो आप इसके लिए हर महीने अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन पीरियड ऑफ YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए, इसके ऑडिशन में अप्लाई करने का जो एप्लीकेशन पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है 7th of April से लेकर चलने वाला है 9th of April 11 AM KST टाइम जोन में, यानी कि आप 7 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक दो सुबह की जो 11 है उस तरह तक अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर बात की जाए इंडियंस के लिए, क्योंकि टाइम दिया हुआ है KST यानी कि कोरियन स्टैंडर्ड टाइम, अगर बात की जाए इंडियंस के लिए तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इंडियंस के लिए जो डेडलाइन है इसके ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए वो है 9th of April 7:30 AM फ्राइडे। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर उस दिन फ्राइडे है तो आपको याद रखना है कि आपको सुबह की 7:30 बजे से पहले पहले इसके ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना होगा 9th of April को। यह आखिरी डेडलाइन है, आप 7 तारीख से अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और याद रखिएगा, अगर आप जो अप्लाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आप नेक्स्ट मंथ भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह है मंथली ऑडिशन और आप इसके लिए हर महीने अप्लाई कर सकते हैं। ये मंथली ऑडिशन ऑर्गेनाइज करती है GMM यानी कि ग्रेमी कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन डेट ऑफ YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए, इस के ऑफ ऑडिशन में आप अप्लाई करते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इस के ऑफ ऑडिशन अप्लाई करने में तो आपके जो ऑडिशन डेट रहेगी वो रहेगी 22nd अप्रैल को, यानी कि आपका 22 अप्रैल को आपका ऑडिशन होने वाला है, तो आपको उसके लिए तैयारी पूरी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन कैटेगरी ऑफ YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए, इसके ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर कैटेगरीज है वोकल कैटेगरी, रैप कैटेगरी, डांस कैटेगरी और है अदर टैलेंट कैटेगरी, जिसमें आता है अपीयरेंस, एक्टिंग और अदर टैलेंट्स भी। तो आपको याद रखना है कि इन चारों कैटेगरी में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी के लिए अप्लाई करना है, आप सिर्फ एक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये, अगर आप सिंगिंग कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया है, कोई पाबंदी नहीं रखी गई कि आपको किस जनरे में गाना है और कौन सी लैंग्वेज में आपको गाना गाना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस लैंग्वेज में गाना गाना है, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से गा सकते हैं उस लैंग्वेज में आप अपना गाना चूज कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको लाइव सिंगिंग करनी होगी, यानी कि आप जूम पर ये ऑडिशन देने वाले हैं तो आपका एक तरह से ऑनलाइन ऑडिशन होने वाला है, जिससे आप वीडियो कॉल करते हैं एकदम उसी तरह से आपका ये ऑडिशन होने वाला है। बट याद रखना है आपको कि आपके जो आप प्रिपेयर करेंगे आपकी परफॉर्मेंस वो 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट 30 सेकंड ज़्यादा आपकी जो है सिंगिंग की जो आप परफॉर्मेंस तैयार करें वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आप रैप कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई जनरे का कोई बताया नहीं गया है कि आपको कौन से जनरे में गाना है, किस टाइप का गाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करती है जिसमें आप कंफर्टेबल हो और अच्छे से गा सकते हो। बस आपको याद रखना है कि आपको लाइव रैप करना होगा, यानी कि आपको हाथों हाथ उनके सामने ही रैप करके बताना होगा। और आपको याद रखना है कि आपकी जो रैप की लेंथ है वो भी 1.5 मिनट ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। आपको जब अपना रैप प्रिपेयर करना है वो 1 मिनट 30 सेकंड से कम का ही होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये, अगर आप डांस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी कोई उन्होंने लिमिटेशन नहीं दी है कि आपको यही गाना गाना है या इस कंपनी का गाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी आपकी मर्जी है आपको किस तरह का गाना गाना है और कौन सा गाना गाना है, किस लैंग्वेज में गाना गाना है। बट आपको याद रखना है कि आपकी जो डांस भी आपने प्रिपेयर किया है वो भी आपको 1.5 मिनट ज़्यादा का प्रिपेयर नहीं करना है, यानी कि 1 मिनट 30 सेकंड ज़्यादा का आपको अपना डांस प्रिपेयर नहीं करना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि आपको अपनी तरफ से तो प्रिपेयर करना ही है, पर हो सकता है कि उस वक्त आपसे जूम ऑडिशन के वक्त जो जजेस बैठेंगे आपके सामने, जो एक जज होगा वो आपसे कह सकता है कि आप ये गाना सुनाओ, ये डांस करके दिखाओ या ये वाला रैप करके दिखाओ। और आती है नेक्स्ट चीज़ की अदर एबिलिटीज़, अगर आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको याद रखना है कि एक्टिंग, विजुअल्स, इस तरह के अगर आपके टैलेंट है या अदर आपके पास टैलेंट है तो आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका भी आपको याद रखना है कि इसकी वीडियो आपकी 1 मिनट से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए, इसके ऑडिशन में अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप तो ये कि आपको फटाफट इसके ऑडिशन के लिए अप्लाई करना होगा, या तो आप उसके गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए, या तो आपको गूगल फॉर्म मिल सकता है जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसको क्लिक करके पहुंच सकते हैं, या दूसरी चीज़ आपको स्कैन करना है QR कोड। तो फोटो तो मैं डाल नहीं सकती डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसीलिए इसी वीडियो मैंने आपको जो है QR कोड डाल दिया है, तो आप उसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर उस स्क्रीनशॉट की मदद से आपको जो करना होगा उसे स्कैन करना होगा। और जैसे आप
स्कैन करेंगे डाटा ऑन करके, तो आपके सामने जो है थोड़ी देर में ना लिंक दिखेगी और उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने सीधे जो है गूगल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और आपका जो वो QR कोड है वो इस तरीके का दिखेगा, आपको जो अपने फ़ोन के स्कैनर में जाना होगा और फिर इसे स्कैन करना होगा। जैसे उसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दिखेगी और उसके आपको क्लिक कर देना है। अगर आपको ये करना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है गूगल एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दे दी है, आ जाकर उसे क्लिक कर लीजिए, फटाफट अप्लाई कर दीजिएगा। सेकंड चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपको जो है जैसे आप अप्लाई कर पाएंगे तो उसके बाद आपको जो है कन्फर्मेशन ईमेल आएगा और इस केयर पोर्शन में अप्लाई करने के लिए। उस ईमेल के अंदर ही आपको जो है आपके ऑडिशन की डेट बताई जाएगी और आपको ऑडिशन का टाइम बताया जाएगा और साथ ही तीसरी चीज़ आपको दी जाएगी आपकी जूम लिंक। उस जूम लिंक के तौर पर ही आपको क्या करना होगा, जो जूम लिंक है उस पर क्लिक करना होगा और आपका जो है उस लिंक के थ्रू ही आपको केयर पोर्शन में पार्टिसिपेट करना होगा। तो उस ईमेल के अंदर आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस केयर पोर्शन पार्टिसिपेट करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये कि आपको पार्टिसिपेट करना होगा इस 1-on-1 ऑनलाइन ऑडिशन वीआर जूम ऐप। तो आपको याद रखना है आपके फ़ोन में जूम ऐप होना ही चाहिए, जूम एप्लीकेशन होना ही चाहिए। आप जाकर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसलिए आप जो सर्च करेंगे जूम वैसे ही आपके सामने जो है जूम मीटिंग ऐप आ जाएगा। उसी ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए उस दिन केयर पोर्शन देने के लिए। और जैसे आपका ऑडिशन का टाइम आ जाता है आपको क्या करना होगा, उसमें लॉगिन कर लेना होगा और आपको वेट करना होगा जब तक आपकी चांस नहीं आती है। और आपको ऐसा नहीं करना है कि बार बार अपने फ़ोन को आगे पीछे करना है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको फिर बाहर नहीं जाना है, आपको वेट करना है और जैसे आपका टाइम आता है फटाफट ऑडिशन दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन क्वालिफिकेशंस ऑफ YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए इस केयर पोर्शन में अप्लाई करने की कुछ क्वालिफिकेशंस है। पहला तो उन्होंने ये बताया कि लिविंग इन ए थाईलैंड नो जेंडर एंड नेशनलिटी रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि इस केयर पोर्शन की मेन बात यह है कि आपका थाईलैंड में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जेंडर की कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, यानी कि आप गर्ल हो या बॉय दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर नेशनलिटी की कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। एक तरह से उन्होंने कहा है कि थाईलैंड का भी होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि नेशनलिटी भी। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि आप इस केयर पोर्शन में अप्लाई कर दीजिए क्योंकि अगर आपके अंदर टैलेंट होगा तो वो आपको ज़रूर सिलेक्ट करेंगे। फिर सेकंड चीज़ ये है कि एनीवन हु वाज बोर्न इन 2004 टू 2013 सिलेक्टेड 50 पीपल कॉन्टेक्टेड इंडिविजुअली विया ईमेल, यानी कि देखिए वही केयर पर्सन अप्लाई कर सकते हैं जिनका जन्म हुआ हो 2004 से लेकर 2013 के बीच में। और दूसरी चीज़ ये कि वो सिर्फ 50 लोगों को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए जल्द से जल्द इस केयर पर्सन में अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिजल्ट अनाउंसमेंट ऑफ YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए इस केयर पर्सन का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा उन्होंने इतना बता दिया है कि ओनली दोज हु पास दिस ऑडिशन विल रिसीव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम द कंपनी। जो भी फाइनलिस्ट होंगे इस केयर पर्सन के और जो भी इस केयर पर्सन को पास कर लेंगे उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाएगा कंपनी के द्वारा। कंपनी के जो स्टाफ होगा वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, या तो फोन करेंगे या तो ईमेल के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। तो आपको वेट करना होगा इस अप्लीकेशन पीरियड के बाद, आपको नेक्स्ट एक मंथ तक इसका वेट करना होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर अप्लाइंग फॉर YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 के बारे में। तो देखिए इस केयर पोर्शन में अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि अगर आप ऑडिशन दे रहे हैं इस YGMM मंथली ऑडिशन, यानी कि आप उन 50 लोगों में से एक है जो इस केयर पोर्शन को देने के लिए, तो आपको याद रखना है कि आप फिर आने वाले अगले 3 महीने तक इस केयर पोर्शन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो YGMM का मंथली ऑडिशन है उसके अंदर आप अगले 3 महीने बाद ही अप्लाई कर पाएंगे अगर आप उन 50 लोगों में से एक है जिनको कन्फर्मेशन ईमेल आया है और जिन्होंने इस जूम ऑडिशन में पार्टिसिपेट किया है उनको। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपको जब भी ऑडिशन देंगे तो आपको याद रखना है आप किसी उजाले वाली जगह पर दें, यानी कि थोड़े खुले में दीजिएगा ताकि आपके चेहरे पर कोई भी अंधेरा नहीं आए और आपके चेहरे को क्लियरली देख सके। और नेक्स्ट चीज़ आपको ये याद रखना है कि जब आप डांस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पूरी बॉडी, आप जब डांस कर रहे हैं और उस ऑनलाइन ऑडिशन को दे रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी जो है दिखनी चाहिए ताकि वो आपके डांस को अच्छे से जज कर सके, आपके डांस के स्टेप्स को और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को। और आपको ये भी याद रखना है आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी पूरी दिखनी चाहिए। तो यही थी सभी इन्फॉर्मेशन YGMM मंथली ऑडिशन फॉर अप्रैल 2023 से रिलेटेड। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी आप किस तरह से इस केयर पोर्शन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरह से आप गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको लाइव डेमो दूंगी उस नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, अदरवाइज मैं इसी वीडियो में समझा देती, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, केयर पर्सन ट्यूटोरियल्स, केयर पर्सन टिप्स, लाइफ ऑफ केयर ट्रेनिंग एंड आइडल एंड को एंटरटेनिंग वीडियोस लाइक दिस, एंड यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ केयर पर्सन ट्यूटोरियल्स।
एंड ऑल्सो 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू कैन एंड दोज हैव क्वेरीज रिलेटेड टू वीडियो आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स इफ यू लाइक व्हाट यू सी देन मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन इट विल हेल्प मी टू ग्रो ऑल्सो एनकरेज मी टू मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS K-pop K-pop ट्यूटोरियल्स K-pop टिप्स क्वारंटाइन वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर एंड ऑल्सो हेल्प मी टू कंप्लीट 5,000 सब्सक्राइबर्स सून लव यू ऑल स्टे सेफ सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल JTube बाय बाय Anybody out there hear me?